सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपको क्रिकेट की लेटेस्ट खबरें देखनी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अभी हाल ही में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम के मैदान में 481 रनों के स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस स्कोर का पीछा करते हुए मात्र 239 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं दुनिया की कोई भी टीम इतने बड़े स्कोर का पीछा करने में जरूर डगमगा जाती। 481 रनों के पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं है। अगर बात की जाए भारतीय टीम की तो इस टीम में वो हुनर मौजूद है जो कि इतने विशाल स्कोर का पीछा कर सकती है। हाल के दिनों में भारतीय टीम द्वारा खेले गए मैचों में इस टीम के खेल के स्तर को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये टीम इतने विशाल स्कोर को भी मात दे सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कारण बताने वाले हैं जिसके चलते भारतीय टीम इतने बड़े स्कोर को भी फतह दे सकती है। एक दिवसीय क्रिकेट में भारतीय टीम 3 बार 400 रन बना चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय टीम अपने क्रिकेट कैरियर में 3 बार 400 से ज्यादा के स्कोर खड़े कर चुकी है। पहली बार भारतीय टीम में 413 रनों के स्कोर साल 2007 में बरमूडा के खिलाफ बनाया था। दूसरी बार भारतीय टीम ने साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 414 रनों के स्कोर बनाया था। वहीं तीसरी बार भारतीय टीम ने साल 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए 418 रनों के स्कोर बनाया था। ऐसे में हम देखें तो भारतीय टीम में वो जज्बा है जो कि 400 रनों से ऊपर के स्कोर का भी पीछा कर सकती है। भारत ने पिछले साल 2 बार 350 से अधिक रन बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अगर बात की जाए इंग्लैंड द्वारा बनाए गए 481 रनों का पीछा करने की तो भारत इंग्लैंड के इस स्कोर का पीछा कर सकता है, क्योंकि पिछले एक सालों में अगर देखें तो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 2 बार 350 से अधिक स्कोर बनाए हैं। ऐसे में भारतीय टीम में वो ताकत दिखती है जो कि वर्तमान में इंग्लिश गेंदबाजों को आसानी से बाउंड्री पार का रास्ता दिखा सकती है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 361 रनों का पीछा भी किया है। अगर बात की जाए उन कारणों को जिनसे ये आशा की जाए कि भारतीय टीम 481 रनों का पीछा कर सकती है तो उसमें ये भी एक बड़ा कारण है। हाल ही के साल में भारतीय टीम ने 361 रन के विशाल स्कोर का पीछा किया है। भारतीय टीम ने इस स्कोर का पीछा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलते हुए किया था, जो कि ये दर्शाता है कि भारतीय टीम किसी भी टीम के विरुद्ध खेलते हुए कितने भी बड़े स्कोर का पीछा कर सकती है। भारत की बल्लेबाजी क्रम है काफी मजबूत। इस समय भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम भी काफी मजबूत स्थिति में है, जहां पारी की शुरुआत में रोहित शर्मा और शिखर धवन टीम को अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं। वहीं शुरुआती क्रम में विराट कोहली भी मौजूद हैं जो कि परिस्थितियों के अनुसार कभी भी टीम के स्कोर को बड़ा बनाने में मदद कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें मध्य क्रम की बल्लेबाजी की तो इस समय टीम में हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी जैसे धुरंधर भी मौजूद हैं जो कि मैच के अंतिम समय में बहुत तेजी से रन बनाते हुए टीम को बड़े स्कोर के काफी करीब पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया वनडे में 500 रन बना सकती है? आपकी राय नीचे कमेंट करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।